पहले एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुकी हैं और इस मुलाकात के लिए आपको बता दे महबूबा थोड़ी देर पहले ही दिल्ली में थी और वो जम्मू कश्मीर हाउस से निकल चुकी हैं। जो जानकारी मिल रही है कि महबूबा पीएम से मिलने पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि आखिर में क्या होगा सरकार का स्वरूप, इसको लेकर लगातार सियासी गहमा गहमियां बढ़ रही हैं। और संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच चुकी है महबूबा मुफ्ती, फिलहाल ये जानकारी मिल रही है और ये मुलाकात थोड़ी देर में होने वाली है, अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद की मौत के बाद से लगातार कयास लग रहे थे कि क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की दोबारा सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो बातचीत थी वो एक बार खत्म हो गई थी जब 5-6 दिन पहले ये बयान आया था कि कोई समझौता नहीं होगा, कोई पहले से ही बात नहीं मानी जाएगी, प्री कंडीशन कोई रखे नहीं जाएंगे। जहां पर बात खत्म हुई थी और जिन मुद्दों के आधार पर सरकार बनी थी बीजेपी और पीडीपी की, उसी आधार पर महबूबा मुफ्ती को भी सरकार बनानी पड़ेगी, लेकिन इसके बाद लग रहा था कि शायद संकट आ गया है, लेकिन दो के भीतर बैक चैनल से बातचीत शुरू हुई है और लगता है जो सरकार बनाने की संभावना थी वो उसका रास्ता लग रहा साफ हो गया, तभी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंची है महबूबा मुफ्ती। और इससे साफ है कि भविष्य में बहुत ही जल्दी पीडीपी और बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि कुछ दो तीन बातें थी जिसको लेकर एश्योरेंस चाहती थी महबूबा मुफ्ती चाहती थी कि जो सरकार है वो उसी तरह से सहयोग करेगी केंद्र सरकार जैसी मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ बातचीत हुई थी। इसके अलावा जो उनको कहीं ना कहीं इस बात की आशंका थी कि कहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद कोई नई शर्तें ना लागू कर दें बीजेपी, तो इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं अगर आज मुलाकात हो रही है तो ये साबित करता है कि जो बीच के बातें थी या जो कह सकते हैं जिसको लेकर आशंकाएं थी उन्हीं को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री और महबूबा की बात हो रही है। और इसके बाद उम्मीद है कि मुलाकात का लबो लुभाव क्या निकल कर आता है, हम आपके पास दोबारा अमित रुक करेंगे। फिलहाल